आइए हम आप लोगों को एक बड़ी सुंदर मनभावन कथा सुनाते हैं तोता मैना की। जिस डाल पर मैना बैठी थी उसी डाल पर तोता भी आकर बैठ गया, तो मैना तोते से क्या बोली? ए तोता, तू मेरे सामने से दूर हो जा, जा कहीं और जाकर बैठ। मैना, तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों कर रही हो? ए तोता, मुझे मर्दों से ना बहुत घृणा हो गई है, क्योंकि मर्द बड़े बेवफा और बेदर्दी होते हैं। वो कैसे? तोता सुन, एक बेदर्दी मर्द की कहानी जो संजो बघेल आला में सुना रही है। गिड़गिड़ा ही रहा था, इतने में वहाँ सेठ आ गए और पूछा, बेटी क्या हुआ? तो लड़की बोली, पिताजी चोर था जिसने आपकी तिजोरी तोड़ दी, उसे देखकर मैं चीखी तो आपसे पहले ये लड़का मेरे पास आ गया, जिसे देखकर चोर भाग गए। तब सेठ ने लड़के की पीठ थपथपाई, हे तोता सुन, उस लड़के को बचाने के लिए लड़की ने कितना बड़ा झूठ बोला, अब सुन तोता आगे क्या होने वाला है। शादी मुझसे लियो रचा, प्यार में तेरे हुआ मैं अंधा।
चाहे जो मन तुमने बना, पति और पत्नी दोनों साथ में चले गांव की सीधे लगा, चलते चलते थके वो दोनों, बैठ गए छाया में जा, पेड़ के नीचे बैठे बैठे गई नींद लड़की को, तब उस लड़के के दिमाग में गई सोच सैतानिया, देंगे मुझे भगा, घुसने ना देंगे वो घर में। हे तोता सुन, उस बेदर्दी लड़के ने उस लड़की के हाथ पैर बांध दिए और कंधों पर उठा लिया। तब लड़की जागी और बोली, हे स्वामी ये क्या कर रहे हैं आप? तब लड़का बोला, मैं तुझे कुएं में डालूंगा और तुमसे छुटकारा पाऊंगा। तब लड़की बोली, ऐसा मत करो, मुझे मत मारो, मैं अपने मायके लौट जाऊंगी, मेरी जान मत लो स्वामी। हे तोता, वो लड़का नहीं माना और कुएं में फेंक कर चला गया। शैतान के मन में क्या चल रहा था? वो कमीना ससुराल में पहुंचा, वहां उसने अपनी पत्नी को देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और खड़ा का खड़ा रह गया। फिर भी उसकी पत्नी ने उसे अंदर आने को कहा और खूब खुशामद की। कुछ भी बताया ना, तब लड़का उस लड़की के पैर पड़ गया, शीश नवाए कान पकड़ कर माफी मांगी, ऐसा अब कुछ होगा ना, रहने लगे प्रेम से दोनों, फिर कुछ महीने लिए बिता, फिर वो पत्नी गांव ले गया, गुजरे उसी बनी से जा, गर्दन दही उड़ाई उस
समय ना तीन घनिष्ठ यार थे, एक था राजा का लड़का, एक साहूकार का और तीसरा दीवान का। तीनों में दीवान का लड़का चतुर और चालाक था। एक दिन राजा के लड़के ने मित्रों से कहा, भाई मेरी विदा करा लाओ। तो तीनों यार राजा के लड़के की ससुराल गए। ससुराल के गांव के पास रुके, तब राजा के लड़के ने कहा, भाई यहीं ठहरना, हम कल विदा करा के लौटेंगे, तब साथ चलेंगे। राजा का लड़का ससुराल चला गया, बाकी के दो मित्र सराय में रुके। रात देव बितलाए, उससे अगर नहीं मिल पाए, बिना मौत के हम मर जाए, तब दीवाने के लड़के ने तो करी बात बैस्या से जा, तब दीवाने के लड़के ने तो निकलती है समझा, जो ना जाने कितने मुसाफिर, अब तक नागिन गई है खाई, इतनी सुनकर बात से गिरी, मित्र गया कमरे में जा, इतनी सुनकर बात से गिरी। हे मैना, वो मित्र कमरे में गया तो दोनों सो रहे थे, वह अपनी तलवार हाथ में लेकर वहीं छुप कर बैठ गया। जब रात को नागिन निकली तो उसने तलवार से उसे मार दिया, उसके साथ साथ वो वैश्या भी मर गई। वो अपने मित्र को सोता छोड़कर बाहर आया तो देखा एक सुंदर स्त्री रात में कहीं जा रही थी। वो उसके पीछे पीछे गया, उसने देखा वो स्त्री एक झोपड़ी में घुस गई और वो मित्र बाहर छुपकर बैठ गया। देखता तुम्हें बता, राजा के लड़के की पत्नी थी वो स्त्री रही।
हे मैना, वो बेचारा निर्दोष उस बेवफा स्त्री ने कैसे फंसा दिया। इधर उसका मित्र रात को सराय में लौट रहा था तो उसे एक देवी के मंदिर में चार चोर विनती करते सुनाई दिए, जो कह रहे थे, हे देवी माँ, आज हमें खूब दौलत मिल जाए तो हम राजा की लड़की की बलि चढ़ाएंगे। इतना कहकर चोर चले गए और मित्र वही मंदिर में छुपकर बैठ गया। जब चोर वापस लौटे तो राजा की लड़की को सोते उठा लाए, देवी के सामने पेश किया। जैसे ही चोर ने लड़की पर तलवार चलाई तो दीवान के लड़के ने उसे बचा लिया और चोर को मार डाला। बाहर खड़े चोरों ने कहा कि अपना मित्र अंदर से नहीं लौटा। तब दूसरा चोर गया तो उसे भी दीवान के लड़के ने मार डाला। इसी तरह चारों चोरों को उसने मार दिया और उस लड़की को बहन बोलकर राजा के घर छोड़ा। मुझसे ले ओ रचार, बोला लड़का मैंने तुमको, बहन धर्म की माना जा, ब्याह नहीं कर सकता तुमसे, मेरा पीछा छोड़ो जा लड़का, जब चल दी ना वहां से। लड़की ने दिया शोर मचा, चोर चोर के करके उसने सब घर वाले लिए जगा, हथकड़ी दई लगा, सुबह हुई तो लगी कचहरी, राजा के दरबार में जा, सुबह हुई तो लगी कचहरी। उस लड़के ने सबकी पोल खोल दी। तब राजा बोला, इसका क्या सबूत है? लड़के ने वो बुढ़िया और साधु को बुलवा लिया और दूध का दूध पानी का पानी हो गया। राजा ने साधु को सजा सुनाई और लड़के से बोला, तुम मेरे महल में चोर बनकर घुसे, तुम्हें क्या सजा दें? लड़का बोला, इसका सबूत खुद आपकी बेटी है, इसे पूछो ये रात को मंदिर में क्यों गई थी, वहाँ चार लाशें अभी भी पड़ी हुई हैं। घर तक छोड़ा यार,